बाल श्रम को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश बाल श्रम विभाग द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जाता रहा है और जनमानस से अपील भी की जाती रही है कि बाल श्रम एक कानूनन अपराध है, इसलिए बच्चों को श्रम कार्य से दूर करके उनको अच्छी शिक्षा की तरफ लेकर जाया जाए ताकि हमारे इन नौनिहालों का भी भविष्य उज्जवल हो सके। बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए श्रम विभाग द्वारा एक बार फिर बुधवार को अभियान चलाया गया, जिसमें श्रम विभाग के आला अधिकारियों के साथ साथ चाइल्डलाइन टीम के सदस्य व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बुधवार को श्रम विभाग की टीम सबसे पहले पागबड़ा पहुंची, जहां उन्होंने अलग अलग दुकानों पर काम करने वाले बच्चों को कार्यमुक्त कराया और दुकानदारों को हिदायत भी दी। इस दौरान कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे गए और उनसे कहा गया कि बाल श्रम कराना एक कानूनन अपराध है, अगर कोई नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराता है तो फिर ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पागबड़ा पहुंची श्रम विभाग की टीम की कार्यवाही को देखकर पूरे पागबड़ा में हड़कंप मचा रहा और कुछ दुकानदार दुकानें बंद करके 9-2-11 होते भी दिखाई दिए। इस मौके पर थाना AHTU प्रभारी निरीक्षक लखपत सिंह, SI सुशील तोमर, SI इसरार खान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अमित कौशल, श्रम विभाग लेबर इंस्पेक्टर इम्तियाज अली, चाइल्ड लाइन टीम सदस्य नईम पाशा भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार के आदेश हैं कि प्रदेश के अंदर बाल श्रम नहीं कराया जाए और 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और आज अभियान का प्रथम दिन है और इसमें हम कागोड़ा थाना क्षेत्र में आए हैं और हमारे साथ DHT श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और DCP सब है और एक अभियान का सफल बनाया है। सर आज कहाँ कहाँ जो कार्रवाई की गई है और लोगों कहाँ कहाँ जो कमियाँ पाई गई हैं? थाना कागोड़े के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और आज पहले दिन है अभियान का और कमियां तो कुछ ही नहीं है, अभियान को बता रहे हैं। सर सभी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि शहरवासियों से अपने यहाँ अपने नाबालिग बच्चों को ना रखें, बच्चे देश की धरोहर हैं, उन्हें शिक्षा दीजिए और एक अच्छा माहौल उन्हें देने का प्रयास करें।